किशनपुर थाना क्षेत्र के निमनमा में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जनसभा संपन्न हुई। देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा के तहत कन्हैया कुमार पहुंचे सुपौल। जेएनयू के आशीष रंजन के अलावा कदबा विधायक शकील अहमद भी सभा में शामिल हुए। इस मौके पर भीड़ देखकर कन्हैया कुमार गदगद हो गए और वो एनआरसी के विरोध में केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर बरसे। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार गृह मंत्री और पीएम को टारगेट किया और लोगों की तालियां भी बटोरी। हजारों की भीड़ ने कन्हैया कुमार का जमकर ताली से स्वागत किया। जो आपके गोद में बच्चा है, कल को वो बच्चा जब बड़ा होगा आपसे पूछेगा कि पप्पा जब देश पे हमला हुआ था, संविधान पे हमला हुआ था, तो आप क्या कर रहे थे? तो आप कहिएगा कि सुपौल से ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके पटना गए थे तुम्हारे हक के लड़ने के लिए। ये कहिएगा, ये बताइएगा, ये माएं बताएंगी, ये बहनें बताएंगी। इसीलिए आप 29 तारीख को आइए और पटना के गांधी मैदान से हम बिहार की सरकार से कहेंगे कि आप बिहार विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास कीजिए कि बिहार में एनपीआर एनआरसी नहीं होगा, सीए नहीं होगा। और सरकार नहीं मानेगी तब जैसे गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा किया था, उसी तरीके से हम भी इस कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा करेंगे। हमारा संविधान हमको हाँ कहने की और ना कहने की इजाजत देता है। अपने घर के बाहर लिखेंगे, ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेके आना, वरना मत आना, वरना मत आना। इस एनपीआर को हम नहीं होने देंगे। और याद ये बात जान लीजिए, कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा एनपीआर ना होगा एनआरसी, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना होगा एनपीआर ना होगा एनआरसी। तो अमित शाह को सीए का झुनझुना बजाने दीजिए। ये काम हम तमाम लोगों को करने की जरूरत है। बोलिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है। समझने लगता है कि जनता नौकर है और वो मालिक है, लेकिन जब हम उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं तो उसके तरह हमारा चाल चरित्र और चेहरा नहीं होगा। हमारा चाल चरित्र और चेहरा उनसे अलग होगा। जब हम लोकतंत्र में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं, संविधान का जिंदाबाद करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई जब झंडे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक पार्टी का बैनर कितना चौड़ा होगा इसकी लड़ाई नहीं है। तो मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इस आंदोलन की जो सबसे जरूरी बात है उसको हमको समझना चाहिए। वो ये है कि तमाम समुदाय के लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बुद्धिस्ट हो या जैनी, अग्रे हो या पिछड़े, दलित हो या महादलित, महिला हो या पुरुष, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, हम तमाम लोगों को मिलकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब हम सबको मिलकर के ये लड़ना है तो थोड़ा दूसरे लोगों का भी सुनना चाहिए ना। खाली अपना ही सुनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तब तो आप में और हमारे देश के वजीर आजम में क्या फर्क हो जाएगा? वो भी सिर्फ अपने ही मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात सुनते ही नहीं है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये जानकारी दे दूं कि ये यात्रा सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, ये जनगणमन यात्रा 30 जनवरी वो दिन है जिस दिन आतंकवादी गोडसे ने बापू की हत्या की थी। 30 जनवरी को बापू की जो कर्म भूमि है चंपारण, बापू धाम, वहां से ये जनगण मन यात्रा चली है और अलग अलग जिलों से होते हुए आने वाली 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली के रूप में परिणत होने वाला है। यह यात्रा सीए एनआरसी एनपीआर विरोधी संघर्ष मोर्चा के द्वारा शुरू की गई है और यहां हम आपके बीच यही आमंत्रण लेकर के आए हैं, यही अपील लेकर के आए हैं, यही संदेशा लेकर के आए हैं कि यहां जो आप तमाम लोग मौजूद हैं,
अगर आप इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, बोलिए तैयार हैं कि नहीं हैं? अगर तैयार हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आइए। बोलिए आएंगे? सब लोग आएंगे, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सारे लोग आएंगे। अच्छा, ये हाथ नहीं उठा रहे हैं। कौन है? अंग्रेजों से लड़ करके, जान दे करके, कुर्बानी दे करके इस झंडे को आजाद कराया है। हम तय करेंगे कि कौन राज करेगा। उत्साह हमें बोल गया, पूरे देश में एनआरसी करेंगे, उल्टा पड़ गया। कहते हैं ना, चुभा गया आटा खाने लोलेम नुकसी फंस गया। अब हुआ यह कि ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम आ गया तो सब भेजे नेता सब, है महाराज जमानत जब्त कराइएगा, हिंदुए का नाम काट करके हटा दिए हैं, हिंदू मुसलमान होगा कैसे? कैसे घर घर घूम करके बताएंगे कि हिंदू खतरे में है? ये तो बड़ा मजेदार है, राज्य में भी बीजेपी, देश में भी बीजेपी, तब भी हिंदुए खतरे में है। मैं इनको बता दूं, जो आकर के कहता है हमको कि हिंदू खतरे में है, तो हम कहते हैं रे सुग्गा चिल्का, तुम्हारे जन्मने से पहले भी हिंदू था और तुम मर जाओगे तब भी हिंदू रहेगा। तुम धर्म की चिंता मत करो, तुम अपने भविष्य की चिंता कर लो। पॉइंट ये है कि इनको ये लगा कि अब तो राजनीति उलट हो जाएगी, तब ये नया एक सगुफा छोड़े कि हम CAA लेकर के आ रहे हैं। बोलते पार्लियामेंट में कुछ और है, आ इनका समर्थक पान के दुकान पे कुछ और बोलता है। बोलता है कि पूरा देश में NRC होगा, मियां सबको भगाएंगे, उसका घर द्वार तुम लोगों को बांट देंगे। तो बोला, कागज हुजूर हमारे पास भी नहीं है, असम की तरह अगर हमारा नाम कट जाएगा तब तो तुमको CA के तहत नागरिकता दे देंगे। तो इसी उत्साह में भाजपा ही आया मेरे पास, बोला तुम्हारा नाम तो कन्हैया है, तुमको क्या दिक्कत है? हम बोले इसीलिए दिक्कत है कि मेरा नाम कन्हैया है, इसीलिए दिक्कत है कि कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते जब आपका नाम NRC से बाहर हो जाएगा तो आपको जो ये समझाया जा रहा है कि आप CA के तहत नागरिकता ले लीजिएगा, तो CAA के तहत नागरिकता लेने के लिए पहले नागरिकता छीनी जाएगी, पहले नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, और जब नागरिकता छोड़ेंगे तो सिर्फ नागरिकता नहीं छोड़ेंगे। विधायक जी बता रहे थे कि बाबूजी का, दादाजी का, परदादाजी का जो खतिहानी है, जो पुश्तैनी जमीन है, जो मरूसी जमीन है, उसको कैसे साबित कीजिएगा कि पाकिस्तान से झोड़ा में लेकर के आए थे? उसको कैसे साबित कीजिएगा कि अफगानिस्तान से टोकरी में लेकर के आए थे? उसको कैसे साबित कीजिएगा कि बांग्लादेश से लेकर के आए थे? जब CA में कागज की गड़बड़ी के चलते नाम बाहर होगा तो CA के तहत नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो आपकी पुश्तैनी जमीन है उससे आप अपने आप हाथ गवा दीजिएगा। इसी को कहते हैं ना, कबीरदास के उल्टे बनी अंगना सुखल घर में पानी। कालिदास जैसे नहीं होता है, कालिदास जिस डैंड पे बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। जो लोग, खास करके जो गरीब लोग हैं, जो NRC NPR का सपोर्ट कर रहे हैं, CA का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ही ये बात नहीं पता है कि पर्चा मिला था भूदान आंदोलन के वक्त में, जमीन मिली थी गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास, वो जो जमीन भूमिहीनों में बांटी गई है उसको कैसे साबित कीजिएगा कि 47 से पहले हमारे पास था? ये कहां से साबित कीजिएगा? और कागज की गड़बड़ी ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोगों का कागज में गड़बड़ी होता है। हम PhD किए हुए हैं, मेरे कागज में गड़बड़ी है। मेरे पिताजी का नाम है जयशंकर, अंग्रेजी में JAI भी जय होता है और JAY भी जय होता है। मेरे कागज में JAI है और छोटका भाई के कागज में JAY है। बाप तो एक गुण है जी, आई और वाई के चक्कर में बाप अलग अलग थोड़ी है। ऐसी गड़बड़ी आपको किसी के भी कागज में मिल जाएगा क्या सिपाही जी? सबके कागज में होता नहीं सा गड़बड़ी है? बिहार में सब कोई अपना एज दो साल घटा करके लिखता है क्या साहब? 87 जन्मता है 89 लिखता है, 85 जन्मता है 87 लिखता है, होता है कि नहीं होता है? जन्मेगा मार्च में, कागज पे लिखा रहेगा जनवरी। अब वोटर ID तो और लाजवाब है, नाम आपका रहेगा, फोटो आपके बाबूजी का रहेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो ये जो कागज की छोटी छोटी गलतियां हैं, उन छोटी छोटी गलतियों के चलते आप लोगों को कहेंगे कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, इसका क्या मतलब है? अरे कहावत सुनते हैं कि सत्तू के साथ घून पिसाता है, ऐसी सरकार आई है कि घून के साथ सत्तू पिस रहा है।